खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर थाना इगलास के सीतापुर गांव की घटना है। कुआं पूजन कर रही नवविवाहिता सहित एक दर्जन लोगों को ट्रक ने रौन दिया। दुल्हन सहित 8 लोग गंभीर घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया है। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में इसे सीतापुर कॉलोनी में नरेंद्र के यहाँ बेटा पैदा होने की खुशियाँ मनाई जा रही थी। महिलाओं के द्वारा गाना गाते हुए कुआं पूजन की रस्म अदा की जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से इगलास की तरफ से हाथरस की ओर जा रहे मैक्स ने वधू सहित लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंद दिया, जिसमें लगभग सभी 5 महिला और बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसे ही सड़क के किनारे से यह हादसा हुआ, महिलाओं के गीत गाने की आवाजें चीख पुकार में बदल गई। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिसको जैसा वाहन मिला वो घायलों को उपचार के लिए दौड़ा चला गया। वहीं 7 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र इगलास ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर होने की वजह से जिला चिकित्सालय अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस हमले की जांच में जुट गई है। डॉक्टर, कोई एक्सीडेंट वगैरह है? कितने लोग इंजर्ड हुए इसमें? हाँ, ये अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कुछ केस आए थे, लगभग 7 के आसपास थे, जिसमें कुछ बच्चे थे, शायद एक महिला भी थी, बच्ची भी थी 12-14 साल की। तो फर्स्ट एड हमने सभी लोगों को दे दिया है और उनके परिजन भी आए, तो कुछ लोगों को ले गए और कुछ लोगों को हमने 1-2 लोगों को रेफर भी किया है, और कुछ रेफर के लायक नहीं थे जिनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया है। किस तरह की स्थिति है डॉक्टर साहब? स्थिति, एक बच्चे को तो फ्रैक्चर था, जिसको मैंने मल्खान सिंह अस्पताल के लिए भेजा है, और एक बच्ची जो करीबन 14 साल की थी, राधिका, उसको हेड इंजरी थी, उसको भी मैंने रेफर किया है। बाद बाकी तो ज्यादा चोटें नहीं थी, खाली एब्रेशन और थोड़े कंट्यूजन थे।